तो गाइस स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है मिस्टर लेगोपी, कंटेंट क्रिएटर आपके लिए। तो आज का वीडियो बड़ा होने वाला है खास, क्योंकि हमारी फुल स्क्वाड लियोन एरिंगल में लगाने वाली है आग। तो आगे वाले वीडियो मारने आपको आने वाले मजे, तो पूरा वीडियो देखना और चैनल को करना लाइक एंड सब्सक्राइब। इधर मेरे को एक बंदा दिखता है तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ सबसे पहले। फिर ये जो बंदा होता है इसको भी नॉक कर देता हूँ, बॉट होता है एक्चुअली ये वाला। तो स्प्रे के ऊपर मत जाना गाइस, क्योंकि वो अभी सेंसिटिविटी मेरी बेकार है, थोड़ी छेड़छाड़ हो चुकी थी। तो इसको हम पहले फुल फिनिश करके अपने किल ले लेते हैं। कंटेंट के पीछे पागल भूखे हैं। एक्चुअली गाइस होता क्या, अंदर होते हैं दो बंदे। अब मैं कर चुका होता हूँ रश, तो दोनों के किल मैं ले चुका होता हूँ और तीन किल मेरे को आ जाते हैं, एक किल मेरे स्क्वाड ले जा चुके होते हैं। अब इधर दिखता है मेरे को बॉट। और गाइस एक बात मेरे को बताना, ये जो हेड एम की जो एक स्पेशल इफेक्ट है ये आपको कैसा लगता है? मेरे को तो कतई बेकार, मतलब अच्छा लग जाता है कभी कभी। अब सी बिल्डिंग में होते बंदे एक्चुअली, और मेरे को पता नहीं होता है, मैं तो जा रहा होता हूँ एकदम से। मेरे को दिखता है बॉट और पड़ता है S12K का फायर, तो मैं बच के तो आ जाता हूँ। पहले बॉट का किल अपने को पक्का करेंगे। अब सीन क्या होता है, मैं इधर उठा देता हूँ उसका रेल और ऊपर होता है S12K, कुछ भी हो सकता था गाइस। तो रश तो मार देता है पीछे से, हॉट बॉट का मिलता है मेरे को कवर। और ये बंदा भी गया, थोड़ा बहुत लूटेंगे, हील लगाएंगे, फिर आगे भी रश करेंगे। चैनल पे गाइस रॉयल पास का गिव अवे होगा, तो देखते रहना वीडियो और शेयर कर देना। अब ऊपर होते हैं दो बंदे, हॉट बॉट मार चुके थे रश, काफी ही प्रो प्लेयर। तो हमें भी जाना पड़ता है, देखो हम ले तो एक भी नहीं पाते किल, सारे के लिए ले जाते हैं। अब एक्चुअली इधर क्या होता है, मैं कह देता हूँ ऑल डेड हो जाते हैं बंदे, पर होते कुछ नहीं है, मेरे बंदे नॉक होने से बच जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं एक आध दो किल हम इधर निकाल लेंगे, और काफ़ी इंटेंस फाइट होती है इधर देखो आप। ये लियोन 80 काफ़ी प्रो है, बस थोड़ा सा मतलब रेज रहता है पूरे टाइम, पता नहीं किस चक्कर में। अब इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ, फायर पड़ता है, पर क्या होता है बगल से रहता है एक अपेरा और वो निपटा देता है मेरे को। तो मैं सबसे पहले हॉट वॉट भैया पे चलाता हूँ, भैया रिवाइव दो, सबसे पहले रिवाइव दो, बाद में कुछ करना। तो सबसे पहले वो मेरे को रिवाइव देते हैं, और इतने में 80 हो चुका होता है रिवाइव, जो कि कर देता है फुल स्क्वाड वाइप काफ़ी ही अच्छे तरीके से। अब सीन क्या होता है, हम लोग निपटा के आते रहते हैं मिलिट्री बेस और ढूंढ रहे होते हैं बंदे। पीछे से आता है एक M4 का फायर और मैं चिल्लाता हूँ जल्दी मोर। तो अब जाते हैं उधर पे। अब गाइस जो M4 के स्प्रे में मैं हगूंगा ना गाइस, देखना आप। आखिरी में बस ये हेड लग गया, फ्री फायर ले लेके अब हम आगे जाएंगे। काफी ही तगड़ी फाइट होने वाली है इधर। एक नॉक किया गाइस मैंने इधर पे, अंदर एक बंदा दिखता है मेरे को। ऑल डेड, और ये बंदा मेरे को खा ही जाता बस अगर हॉटबॉट हमें रिवाइव नहीं देते। अब अपार्टमेंट आते तो हैं पर दिखता कोई नहीं है, रोज़ॉक लाने का मूड होता है। पीछे से आती है गाड़ी की आवाज़, और इधर पे भी काफ़ी तगड़ी फाइट होगी देखना। मैं रोटेशन लेके पूरा पीछे से जाता हूँ।
पूरे मार सबसे पहले मैं इधर रिवाइव दूंगा क्योंकि अगर कोई स्क्वाड आती है तो हमारे बंदे के पास एक कम होगा और एक बंदा कम होगा, एडवांटेज ही होगी। फिर लूटते हैं हम पर्याप्त आराम से, एमो नहीं थे मेरे पास। एम एल जी बंदूक किस किस को अच्छी लगी भाई मेरे को बताना, मेरे को तो काफ़ी सही बंदूक लगी है। और हाँ गाइस, चैनल पे होंगे 5 कस्टम्स होंगे हम लोग के, पेड कस्टम होंगे। एवरी विनर विल विन 60 पर कस्टम विन। सामने से आती है गाड़ी और मेरा सड़ा तक पे जाते हुए एक हेड लास्ट में चिपक जाता है। हाँ तो गाइस, कस्टम का सीन ये है कि आपको खेलना पड़ेगा हम लोग की तरफ से, जो कस्टम हम लोग खेलवाएंगे अक्टूबर में, तो उसमें रहेगा जो डेली एक विनर रहेगा एक स्क्वाड, उसको मिलेंगे 60 रुपीज़ फोन पे। तो ये चीज़ है, डेली एक डेली 3 कस्टम होंगे 7 दिनों के लिए लगातार। उसके बाद हम लोग खिलवाएंगे नियोनिक पवन वगैरह, अंतर्यामी वगैरह, हमारे भाई वगैरह है उनके क्लैन में मेंबर को लीडर, तो वो लोग भी स्क्वाड वगैरह लेके आया करेंगे आगे के पेड़ कस्टम। अब इधर गाड़ी भी देखिए उसको डैमेज कर देता हूँ मैं, भाग जाती है। अब मेरे को पता है ये राइट से आएगी तो मैं पहले उधर पे एम लेके चला जाता हूँ। इधर इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, वो बस के पीछे जा चुका था। मैंने बता उसको मार दिया M4 फूट वाले को, एक बहुत चमका रहा था। आप कहाँ पे हो आप? अब मैं पहले पीछे तो देखता हूँ कोई कवर के लिए है। मतलब क्या ही नू बंदा गाइस, मतलब अपार्टमेंट जाने की सोच रहा था सही है, मैं भी यही करता। अब इधर देखिए हम लोग को एक गाड़ी, ये गाड़ी हम लोग पहले से ढूंढ रहे थे। इधर मैंने एक किल चुराया। अब सामने जो डबल स्टोरी होती है उसमें होते हैं 2 बंदे लास्ट के, मतलब सेकंड लास्ट बंदे होते हैं। तो हॉटबॉट तो फुल रश में निकल जाते हैं, मैं नेट डाल देता हूँ, अगर मेरे को एक आध के मिल जाए तो क्या ही कह रहे हैं। तो ऊपर रश तो करते हैं हम। पोटेंशियल एक ही बंदे का है इसके ऊपर। ये मेरा 3रा नॉक था पूरे मैच में। अब गाइस मज़ेदार बात क्या होती है, इधर कोई नहीं देखता है कि कितने बंदे बचे हैं, सब अपना लूटते हैं, रीलोड मारते हैं, किल के पीछे पागल होते हैं। अब सीन क्या होता है, मैं इधर से नीचे कूदता हूँ, रोहित भैया कहते हैं एक बंदा बचा है और 80 वो दिख जाता है, और बस मैं भी कह देता हूँ ले ले आखिरी किल, क्या करेगा भाई। जाता है काफ़ी अच्छा चिकन डिनर अच्छे खासे किलों के साथ। वीडियो आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।